पहले नागपुर स्टेशन तेलंगाना एक्सप्रेस से झांसी में बंदूकें और जिंदा कारतूस मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल और अधिक सतर्क हो गया है। इसी के तहत चलती ट्रेनों में जांच के दौरान नागपुर आरपीएफ और खुफिया शाखा ने क्रमशः दिल्ली जा रही जीटी एक्सप्रेस और एपी एक्सप्रेस में कुल 57 किलोग्राम का गांजा पकड़ा है। इसकी कुल कीमत 5,70,000 रुपए आकी जा रही है। आरपीएफ ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नाम बाला रवि जिला राजमुंद्री आंध्र प्रदेश निवासी, रानकी रेड्डी सुबह वेरिका स्वामी और मैया भांडा पोस्ट रेगुलबट्टा जिला नालगोड़ा निवासी खेतावत कृष्णा मंगलता नायक बताया गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों ही कार्रवाई एसी क्लास में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन 02615 चेन्नई दिल्ली जीटी एक्सप्रेस सुबह 11:30 बजे प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंची। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान गढ़पलवार तथा धीरज रामकृष्ण दाहिया जांच करते हुए सेकेंड क्लास एसी के कोच A1 में पहुंचे। वहां बर्थ 39 पर सफर कर रहे रानकी रेड्डी को 2 ट्रॉफी बैग संदिग्ध लगे। उसने बताया कि वह रामगुंडम से भोपाल जा रहे हैं। बैग में रखे सामान के बारे में पूछने पर वह घबरा गया। बैग खोलकर देखने पर उसमें 24 बंडलों में लगभग 27 किलोग्राम का जाम मिला। दिनांक 13/9/2021 को समय लगभग 11:30 बजे ट्रेन नंबर 2615 जीटी एक्सप्रेस नागपुर स्टेशन पर ड्यूटी स्टाफ राजेश गढ़पड़वार और धीरज दैया दोनों ने चेक करते समय A1 कोच में 39 बर्थ पर एक यात्री जिसका नाम रानकी रेड्डी सुब्बा वेरिका स्वामी राजमुंद्रम आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और इसके पास से 2 बैग ट्रॉली बैग जिसमें से गांजा मिला जो 47 kg के आसपास है, जिसकी अनुमानित कीमत 4,74,000 रुपये है और पकड़े गए आरोपी को GRP में सुपुर्द किया गया है। और आरोपी रामागुंडम से भोपाल तक ट्रेन में यात्रा कर रहा था। नहीं, ये आगे भी किसी को देने वाला था, उसका नाम तो अभी इंक्वायरी में खुलासा होगा, लेकिन ये रामागुंडम से भोपाल के लिए जा रहा था, तो अभी जांच का विषय है, जैसे आगे जांच में बताया जाएगा। 47 kg गांजा है और ये 4,74,000 से का माल है जो सीज किया गया है। इस प्रकार ट्रेन 02805 विशाखापट्टनम दिल्ली एपी एक्सप्रेस में आरपीएफ नागपुर की खुफिया शाखा ने 10 किलोग्राम गांजा पकड़ा और एक आरोपी भी गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भी एसी क्लास की बोगी में ही की गई। आरपीएफ कांस्टेबल भास्कर ने सूचना भेजी कि उक्त ट्रेन के कोच B2 में कूपा नंबर 01T0 की सीट 3 और 4 के नीचे गांजा होने की संभावना है। नागपुर स्टेशन से ही CBI की सहानी व करवड़े के अलावा ट्रेन में चढ़ गए। इस बीच ट्रेन रवाना हो गई। जानकारी के अनुसार जांच टीम बताई गई कोच में पहुंची तो बर्थ 3 और 4 के नीचे एक बड़ी सी चादर में कुछ रखा हुआ था, वहां खेतावाद बैठा हुआ था। आरपीएफ की पूछताछ में उसने गांजा तस्करी की कबूली दी। तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर सारा माल जब्त करके GRP के सुपुर्द किया गया। उपरोक्त दोनों कार्रवाइयां वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे तथा SSC कोर्ट रोजी के मार्गदर्शन में PI RL मीना, PI NL यादव, SI VK पटेल, IP चौक से उमेश यादव, हरिवंदर मंगलदीप, मनोज धायगुड़े आदि द्वारा पूरी की गई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।